ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, हमारा प्रोटेस्ट करना अधिकार है। और वहां पे तो लोग नहीं आते, अगर 5000 किसान उठ के यहाँ पे आ गया है, विपक्षी दल नहीं मैनेज कर सकता। अगर पंजाब आज नहीं उठेगा, आज नहीं जागेगा, तो हमारे जो आने वाले जनरेशन हैं उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे। एमएसपी के ऊपर हम कानून चाहते हैं, सारे के सारे जितने क्रॉप्स हैं उसके ऊपर कानून बनना चाहिए और उसको लीगलाइज करना चाहिए। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और तमाम किसान यहाँ पर आए हुए थे अपनी मांगों को लेकर। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये गीत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिरकार किस प्रकार इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। जान देश धर्म ते आमदे कोई विपता भारी, जा जुल्म अंधेरी चढ़ दी होवे कैर खुवारी, जा धर्म कुचले जाम दे रोंदे नर नारी, वो जा प्रजा हाकम खावदी बनी होवे मीर शिकारी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हर्षदीप सिंह। हर्षदीप जी, क्या लग रहा है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? पानियों का इशू है जी, पंजाब का ग्राउंड वाटर का इशू है। ग्राउंड वाटर का इशू क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत देर तक पंजाब को उसके नहरी पानियों से दूर रखा गया है। हमारे पानी राजस्थान को दे दिए गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब पुनर्गठन हुआ पंजाब का, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल निकाला गया, बोली के आधार के, लैंग्वेज के आधार पे तीन स्टेट बन गए। पंजाब का नाम पंजाब क्यों था? क्योंकि पांच आबों का, पांच दरियाओं का ये स्टेट था। राजस्थान को पानी दिया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उसके बाद पानी दिया जाता है हरियाणा को, दिल्ली को दिया जाता है। हमारे रिवर वाटर्स इन स्टेट्स को दे दिए गए, उसके बाद हमें एक भी मुआवजा, एक भी पैसा इसके तहत नहीं दिया गया। जहाँ पर जो स्टेट हिमाचल है, जब वो दिल्ली को पानी देता है तो उसके पैसे देता है, मगर पंजाब को कोई नहीं पैसा मिलता। क्यों पंजाबी क्यों चुभते हैं सबको, क्या कारण है कि पंजाब के साथ इतना? सरकार से आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिरकार इतना भेदभाव क्यों? पूछ रहे हैं, हम तो सड़कों पे हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, हमारा प्रोटेस्ट करना अधिकार है और वही हम कर रहे हैं। कैसे पूछेंगे, एक मामूली किसान है सरकार तक, मोदी जी से कैसे पूछेंगे, आपके माध्यम से पूछेंगे। आंदोलन किया था उस टाइम, बोला कि एमएसपी मिलेगी, चार फसलों पे हमें एमएसपी मिलती है। कहा गया था कि एक्ट बन जाएगा, लीगलाइज कर दिया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, आज तक नहीं किया गया। कहा गया कमेटी बनाएंगे, आपके फार्मर यूनियन से लोग लिए जाएंगे, आप किसानों की रिप्रेजेंटेशन होगी, आज तक नहीं हुई। तब भी आश्वासन ही दिया आप लोगों को, तो आज भी आश्वासन ही है, अभी तक आश्वासन है, फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं हम? किसी का क्यों मन करता है किसी का अपने घर से उठ के आए और यहाँ पे सड़कों पर बैठे? अगर विपक्षी दल है ना, छवि बेकार कर रहे हैं। किसकी, कौन सा? मोदी जी के। अच्छा, तो आप देखें कि ये हजारों की गिनती विपक्ष ने मैनेज कर ली, विपक्ष की रैली होती वहां तो बंदे नहीं पहुंच रहे, वहां पे तो लोग नहीं आते। अगर 5000 किसान उठ के यहाँ पे आ गया है, विपक्षी दल नहीं मैनेज कर सकता। ये एक पेन है, ये जो स्ट्रगल है फार्मर्स की, आप देखें, ये नेशनल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि पंजाब का पानी खत्म हो जाए। हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनाज देते हैं आप लोगों को, और पानी की समस्या से किस किस की और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? पानी की देखिए, जैसे हम ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज करते हैं, हम जो एक जो गेहूं और पैडी खास करके चावल, उसकी खेती में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं तो वो डिप्लीट होता है, डिप्लीट होने से नीचे लेवल जाता है उसका, यूरेनियम आर्सेनिक लिड जैसे केमिकल पैदा हो रहे हैं। हमारा एरिया है पंजाब में, बठिंडा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है, अबोहर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा है। एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर के लिए, उसको कैंसर एक्सप्रेस का नाम दे दिया गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा घर घर में बीमारी फैल चुकी है। सो ये हमारी बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी बात है। अगर पंजाब आज नहीं उठेगा, आज नहीं जागेगा, तो हमारे जो आने वाले जनरेशन हैं उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आप लोग सरकार तक? सबसे पहले हमारे पानियों का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद हमें पहले हम अपना पानी असेस करेंगे कि कितना पानी हमारे पास है, पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेटों को देंगे और उसका मुआवजा लेंगे। एमएसपी के ऊपर हम कानून चाहते हैं, सारे के सारे जितने क्रॉप्स हैं उसके ऊपर कानून बनना चाहिए और उसको लीगलाइज करना चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बननी चाहिए, फेडरल ढांचा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और क्योंकि स्टेट को स्टेट्स के राइट्स दिए जाएँ। हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब से फंडिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। लाहौर से आई थी पहले होशियारपुर,
में, होशियारपुर के बाद चंडीगढ़ में शिफ्ट करेगी, मगर उसमें भी सेंटर दखल कर रहा है, उसमें इनकी दखल अंदाजी बंद होनी चाहिए। तो देख लीजिए, एक नहीं तमाम मुद्दे हैं, पानी की समस्या से लेकर अन्य मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिले। और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर ये वो जगह है जहाँ पर आए दिन लोग आते हैं, अपने मुद्दे लाते हैं, इस तरफ जवान है, उस तरफ जवान है और इस तरफ किसान है, ऐसे तमाम लोग हैं। तिरंगे भी आप देख सकते होंगे, ये लोग पंजाब हरियाणा से तमाम की संख्या में यहाँ आए हुए थे। लोगों को पूरी आशा है कि आखिरकार इन लोगों की सुनवाई की जाएगी, इन लोगों को जो भी आश्वासन दिया जा रहा है इन्हें पूर्णतः भरोसा है कि सरकार अब नहीं तो कब सुनेगी, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के पास चुनाव जीतने के लिए। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।